แกที่แล้วแกที่ครับขอบคุณครับयहाँ पे विधायक साहब आए थे, सीएमओ साहब आए थे और काफ़ी डॉक्टर्स की टीम भी आई है यहाँ पे। तो कोई शिविर वगैरह लगा हुआ है तो सब लोग तो में स्वेलिंग आ जाती है तो मैं इसकी दवा ले लिया। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे ओपीडी, टीकाकरण है, परिवार कल्याण परामर्श, आवश्यक रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजी की जाँच ये सब किया जाएगा। हाँ, डिलीवरी की व्यवस्था पहले से ही है और डिलीवरी मतलब अगर बिल्कुल डिलीवरी कराई जाएंगे नियमित रूप से डिलीवरी होगी इस स्वास्थ्य केंद्र पर। हर एक गांव में लगेगा ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगेगा। हमारे 25 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य और 2 अर्बन नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सभी जगह लगेगा। हर संडे को लगा और प्रत्येक रविवार को लगेगा और सभी मतलब और सभी सुविधाएँ इस प्रकार की दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की सुविधा के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती है, बहुत बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, उसमें दिक्कत होती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने ये आरोग्य स्वास्थ्य मेला का ये शिविर जो लगाया गया है पूरे जनपद में 27 जगह लगा है और इतवार को दिन फिक्स किया है, यानी संडे की छुट्टी वाले दिन। डॉक्टरों को थोड़ा दिक्कत ज़रूर हुई है लेकिन इसमें जनता को बहुत राहत मिली है। अब इस हाथरस जनपद में 27 जगह आज इतवार संडे के दिन ये मेला लगा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ और 2 अर्बन जो इन्होंने 2 क्षेत्र में बांटा है तो आज मेला लगा है। इसका उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है, मैंने देखा यहाँ सभी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स लेडीज़ डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और सभी तरह का इलाज यहाँ होता है और अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ। और ये मुख्यमंत्री ने एक कदम जो उठाया है स्वागत करने योग्य उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, मान लो ज़्यादा भीड़ है और दिक्कत होती है चलेगा सर इस तरह ये का? अब वो मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया है तो ये चलेगा, लंबा चलेगा और हमेशा चलता रहेगा, ये तो हम तो इसका स्वागत करते हैं।